नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, समय बहुत कम रह गया हमारे पास अभी APS की अगर मैं बात करूं, लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स में भी आपके ज़रूर काम आएगा, अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट हम थर्ड आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कहें प्रीवियस ईयर का वो करवाने जा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर पूछे गए हैं उसमें हम थर्ड सेट पे आ चुके हैं, पार्ट ए जनरल पेपर। और आपको पता है कॉमन होता है सभी के लिए, तो PGT, TGT और PRT तीनों की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट को। और हमारे एक व्यूअर्स ने कहा था कि फॉन्ट उनको कम छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब एक एक क्वेश्चन को जूम करके मैं आप लोगों को बताऊँ। तो पहला क्वेश्चन है, हु सेट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। जी हाँ, इस तरह के कॉमन प्रश्न भी ज़रूर आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। और यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्योंकि आप कभी भी स्टडी करते हैं, ठीक है। हालांकि अभी आपके पास कम समय है, तो जैसे जैसे आप मुझसे जो पुराने जो जुड़े हैं उन्हें पता है, और नए जो जुड़े हैं मैं उन्हें बताऊंगा कि एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि बाल गंगाधर तिलक को उपनाम उनका जो मुखिया वो है लोकमान्य, ठीक है। ऐसे ही फिर अगर अदर्स की बात करें, लाला लाजपत राय हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, आज़ादी से रिलेटेड हैं ये, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जो स्लोगन्स हैं, और महात्मा गांधी जी का तो पूरा एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसको वास्ट एरिया है उनका, तो उसको आपने अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट है, से विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट। लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान, बिल्कुल। सिक मैन ऑफ यूरोप जर्मनी, गिफ्ट ऑफ नील इजिप्ट होता है, जी हाँ। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड है, लेकिन सिक मैन ऑफ यूरोप भी फिनलैंड को कहा जाता है, जर्मनी को नहीं कहा जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सेकेंड, ये पेयर सही नहीं है। नेक्स्ट सकते हैं, द लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार इज अफेक्टेड बाय, ठीक है। जो डिस्टेंट स्टार्स हैं उनकी लाइट को कौन इफेक्ट कर सकता है, तो इफेक्ट देखते हैं, द अर्थ एटमॉस्फेयर, इंटरस्टेलर डस्ट, बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज 1761 मोर इम्पोर्टेंट टू इंडियन हिस्ट्री। 1761 क्यों इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। द इंग्लिश कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल, द मराठाज वेयर डिफिटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली बाय द इंग्लिश कंपनी, और डेथ ऑफ हैदर अली ऑफ मैसूर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा द इंग्लिश कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल। हालांकि वो 1765 में बनी थी, लेकिन 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने इनको अनुमति प्रदान की थी। तो 1761 से, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि मराठास पानीपत के थर्ड वॉर पे डिफीट भी हुए थे, ठीक है। वो 1764 में वो लड़ा गया था, और ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली भी ये हुआ था लगभग 1811 में, ठीक है। और डेथ ऑफ हैदर अली की हुई थी इट्स 82 आई थिंक, ओके 1782 और 1882 ऐसे। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो फर्स्ट है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है दोस्तों। विच आर्टिकल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है संविधान में, वो कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल वो है दोस्तों 368, ठीक है। 370 जम्मू कश्मीर का था जो अब नहीं रहा, या क्योंकि ये रिसेंट में मुझे लग रहा है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये तो अब आर्टिकल ही नहीं रहा। और 368 इसका सही उत्तर है, और अक्सर ये 368A के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडियन सिटीजन आर आउटलाइन इन, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 51A में है, ठीक है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल 51A में बताई गई किसी भी सिटीजन की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्टेट इज नॉट करेक्ट, तो इंडियन स्टेट के बारे में सही नहीं है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, हाँ बिल्कुल है एरिया वाइज। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, हाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वो इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, नहीं हाईएस्ट लिटरेसी रेट
नहीं है, ठीक है, वो केरल का है। तो यहाँ पे जो है अपने नॉट करेक्ट में थर्ड इसको सही करना होगा, ठीक है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ एट, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का वो है दी हैग, ठीक है, दी हेज या दी हेग, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो दी हेग नीदरलैंड में जगह है। हो सकता है कभी नीदरलैंड भी दिया आ रहे ऑप्शन में आपको, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मैटर बट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्फ इज कॉल्ड। जब क्या होते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जबकि एक्चुअल मूवमेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट अपने आप नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है हीट ट्रांसफर होती है, तो उसको कंडक्शन कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है, या नन ऑफ दीज। सो साइंस के विद्यार्थियों के लिए इजी प्रश्न रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसे बोला जाता है कंडक्शन। ए इज़ द राइट आंसर, सब वन इसको कहते हैं, क्योंकि जब क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल क्या होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो जब वो किसी हॉट बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं तो तब हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है कंडक्शन। और चूँकि लिक्विड और गैसेस के फ्रीली मूव कर सकते हैं तो उसको कन्वेक्शन बोला जाता है। कन्वेक्शन केवल लिक्विड और गैसेस में ही पाया जाता है सेकेंड, तो कभी लिक्विड और गैसेस का प्रश्न आए तो इसमें आप सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज, ये प्रश्न काफ़ी पूछा गया, शायद पिछले उसमें भी था ये, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बैटरीज में जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय, शॉर्ट साइटनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, कॉन्केव लेंस द्वारा, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस द्वारा, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। जी हाँ बिल्कुल, ये अपोजिट होते हैं, जैसे इनका नाम है निकट दृष्टि दोष, तो कई लोग सोचते हैं कि निकट नहीं, निकट की साफ दिखाई देगी आपको, दूर की वस्तु जो है दूर दिखाई जाएगी। तो इसके लिए हमेशा जो है अवतल और उत्तल दो लेंसेज होते हैं, हिंदी के विद्यार्थी को बताऊँ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो इसमें से जो यूज किया जाता है वो है कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विटामिन डी हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स, विटामिन सी प्रिवेंट्स रिकेट्स, नो, विटामिन के नेसेसरी फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन ई प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, क्योंकि विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए यानी कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, 13 नंबर का क्वेश्चन, यस, स्टडी ऑफ बुक ऑथर पेयर्स गिवन बिलो एंड से विच इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। प्राइड एंड प्रीजुडिस, एमिली ब्रॉन्ट की, मिल ऑन द फ्लोर्स, जॉर्ज एलियट, जज द ऑब्स्क्योर थॉमस हार्डी, एंड किडनैप्ड आरएल स्टीवेंसन, तो आपको बताना है। और इसमें ये बुक्स के नेम वगैरह भी, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इंग्लिश की बुक्स के नेम्स वगैरह या जो पर्टिकुलर फेमस बुक्स है उनका पता होना चाहिए कि ऑथर कौन है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना है। तो इस तरह से आपके यहाँ तीन तो ऑप्शन आपके मिलेंगे, तीन तो आप याद कर ही लेंगे, क्योंकि तो तीन सही हैं, एक ही गलत है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका पहला ही है, ठीक है, यानी कि जो गलत है इसमें दिया गया प्राइड एंड प्री जस्टिस जो है जे ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है। ये अक्सर पूछा भी जाता है कभी कभी सिंगल में कि किसने लिखी है ये बुक, तो जे ऑस्टिन द्वारा ये लिखी गई है। बाकी तीनों बुक मिल ऑन द फ्लोर्स और जज द सिक्योर और किडनैप्ड जो राइटर दिए गए हैं आपको, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी एंड आर एल स्टीवेंसन, ठीक है, इन्होंने लिखी हुई है। तो पहला हमारा उत्तर हो जाएगा कि दिस इज़ नॉट करेक्ट पेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स पीपल, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य है, दादा साहेब फाल्के नहीं है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसके नाम से भी है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है फिल्म
इंडस्ट्री में, यानी कि जो हमारी बॉलीवुड फिल्म्स हैं उसमें जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, किसी भी नेता, अभिनेता, डायरेक्टर, किसी का भी, तो उसमें ये मेनली दिया जाता है। मेनली दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है अधिकतर अभिनेताओं को ही दिया जाता है। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका बनता है कि हाल ही में किसे चुना गया दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए, वो है अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। ठीक है, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपका बन गया। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ कॉफी अन्ना, नेल्सन मंडेला, बन की मून और हरदीप सिंह। सो इस क्वेश्चन में दोस्तों करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ पूछा गया है, तो ये ओल्ड ईयर का पेपर है तो इसमें आप नहीं देखेंगे इसे, तो करंट ईयर में जो आजकल हैं उसको बताना पड़ेगा। सो करंट ईयर में जो है वो है एंटोनियो गेटर्स। ठीक है, एंटोनियो करके आप ध्यान में रखिएगा, तो वो हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर जो आएगा आपका दोस्तों वो 4 होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज 36। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज बी 12, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वॉज। तो यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा सीधे, पहले एवरेज अगर यहाँ पर दिया गया है तो फैमिली 4 की 36 इंटू 4 करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर इज 5200, इट प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाय 15%, देयर आफ्टर इट वॉज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%। ऑन द मार्क प्राइस व्हाट वॉज द प्रॉफिट परसेंट अर्नड ऑन द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप अगर थोड़ी सी मैथ करना चाहते हैं मैथ्स में तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा। मेरे लिए सिंपल आते हैं ये, लेकिन थोड़ा ये है कि प्रैक्टिस में चाहिए होती है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक और यहाँ पर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 748 मीटर, व्हाट विल बी इट्स रेडियस। ठीक है, सो इसको आप सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो रेडियस है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर ड्रॉइंग द सैलरी अमाउंट डिपॉजिट 10% of the sum in a bank and then paid 4% of the remainder as house rent. If he draws rupees 5000, the sum he paid as house rent is. तो अगर उसने 5000 रुपये निकालने, अपने सीधे यहाँ पर निकालने कि 5000 निकालें, उसका 10% जो है सम बैंक में डिपॉजिट किया और रिमाइंडर हाउस में दिया है, तो कितना उसने जो है हाउस रेंट पे दिया है, तो अमाउंट आपने निकालना है सिंपल यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो है दिशाओं वाला प्रश्न है। एमन वॉक्स 10 meters इन फ्रंट एंड 10 meters टू राइट, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5, 15 and 15 minutes रेस्पेक्टली। तो यहाँ पे वही है, डायरेक्शन दिए गए हैं जो आपको उसके हिसाब से इस प्रश्न को करना है। जैसे 10 meters पहले क्या चला, वो सामने की ओर चला, ठीक है, फिर राइट। तो आपको अगर देखना होगा कि जैसे मैंने हमारे राइट नहीं, ऊपर नहीं करना होगा आपको, राइट यहाँ खींचना पड़ेगा। ठीक है, फिर देन ही टर्निंग टू द लेफ्ट, फिर वो जो है अपने लेफ्ट मुड़ा, यानी कि ऐसे खड़ा था तो इधर को मुड़ेगा। ठीक है, देन ही वॉक्स, तो इस तरह से उसने 5 यहाँ से 10 meters पहले 10 यहाँ को गया है, फिर 10 राइट को गया है, तो 5, 15 एंड जो है फिर 15 meters वो टर्न हुआ है। तो इसको आपको बताना है इस लास्ट में कि कितने मीटर दूरी पे है वो, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो दूरी आएगी उसको आपने जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस तरह से जो रिलेशन वाले प्रश्न हैं वो भी आते हैं इसमें। जोगिंदर चसपाल एंड निर्मल आर थ्री माउंटेनियर्स, ठीक हो गया, तीनों पर्वतारोही हैं। जोगिंदर इज जसपाल्स ब्रदर, जसपाल इज निर्मल्स ब्रदर, निर्मल इज नॉट जोगिंदर्स ब्रदर, देयरफॉर निर्मल इज जोगिंदर्स सिस्टर। ठीक है, तो ये ट्रू है, फाल्स है, या प्रॉबली फाल्स है, कांट से इसको आप नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिखा है कि यहाँ पे फाल्स है ये।
ठीक है, क्योंकि अगर जोगिंदर और जसपाल भाई हैं और निर्मल जसपाल का भाई है, तो निर्मल जो है जोगिंदर की सिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज सही उत्तर है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जोगिंदर सिस्टर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाँ सिस्टर हो, क्योंकि उसमें लिखा है कि नॉट ब्रदर। ठीक है, तो जब उसका भाई नहीं है तो उसकी बहन कैसे होगी, तो यहाँ पर फाल्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। आपने ऑड सेट को जो है यहाँ पर पहचानना है। सो इन क्वेश्चंस के लिए दोस्तों, सबके पहले मैं आपको बता दूं कि कभी एग्जाम्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ तो आएगा ही आएगा, तो ए बी आपने ये रीजनिंग सीखी होगी, सी डी करके पहले एम तक, फिर एन से ऊपर जो है इसको लिखेंगे, 1 से लेके 13 लेटर यहाँ, फिर 13 लेटर इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप उनको मिला सकते हैं इजीली कि कौन सा किस सिक्वेंस में है। ठीक है, किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, तो उस के हिसाब से आप अपना इसमें रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द ऑड सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। फैशन स्टाइल, फॉन्ड अफेक्शनेट, ओल्ड एंशियंट, मास्टर सर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि फैशन का स्टाइल से सिनोनिम दिया गया है, फॉन्ड का अफेक्शनेट से और ओल्ड का एंशियंट से, लेकिन यहाँ पर मास्टर और सर्वेंट जो है अपोजिट दिया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। जैसे नेक्स्ट है द टर्म एक्सपी इन विंडोज एक्सपी मीन्स। तो एक्सपी का मीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, मुझे पता है इसका रिप्लाई आप ज़रूर करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, मैं वेट करूँगा इस क्वेश्चन के आंसर का आपका। ठीक है, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब कंप्यूटर के शुरू हो गए और वीडियो भी थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके लिए बना के ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेसन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये थर्ड ईयर का पेपर भी पसंद आ रहा होगा, इसी तरह से नेक्स्ट पेपर भी आप लोगों के लिए इसके बाद आएगा, इसके बाद के क्वेश्चन हम करेंगे और 25 क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।